लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शरण वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के कैसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जीवा। आज हमारे साथ कलम के ऐसे तीन जादूगर मौजूद हैं, ऐसे अनूठे साहित्यकार मौजूद हैं कि जिस वक्त उनकी कलम का जादू सर चढ़कर बोलेगा और उनके इल्म का फन अपनी माहिरत दिखाएगा, आप खुद ब खुद कह उठेंगे वाह जीवा। चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं और महफिल के पहले कवि को दावत सुखन देते हैं, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरी मुराद है एक ऐसे शायर से जिसका कद उसकी शारीरिक ऊंचाई से बहुत बड़ा है। आपकी गजलों को कई मशहूर सिंगर, कई मशहूर हस्तियां अपनी आवाज़ से नवाज चुकी हैं। मेरी मुराद है कल्याण मुंबई से हमारे बीच पधारे हुए भाई दयाराम दर्द फिरोजाबादी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिरोजाबाद साहब का, आइए। नमस्कार सर, आज मुझे यहाँ पर काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि दर्द का दर्द ए हाल देखिए, कि दर्द का दर्द ए हाल देखिए, हर एक जख्म बेमिसाल देखिए, लिखने को तो हम कविता ही लिखते हैं, शब्दों के चेहरे पर साहित्य का गुलाल देखिए, शब्दों के चेहरे पर साहित्य का गुलाल देखिए, साहित्य का गुलाल देखिए। और दूसरा मुक्तक है सर कि मोहब्बत में दिल टूटने की बात आम होती है, कि मोहब्बत में दिल टूटने की बात आम होती है, ये सच है हर सुबह के बाद शाम होती है। क्या कहें, क्या कि मोहब्बत में दिल टूटने की बात आम होती है, ये सच है हर सुबह के बाद शाम होती है। शायर कवि लेखक और कलाकार वही बनते हैं मोहब्बत जिसकी जार जार होती है, मोहब्बत जिसकी जार जार होती है। इसके बाद मैं आपके सामने एक गीत पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे गीत का मुखड़ा है आपस में अनेक सही, हम देश के लिए सब एक हैं, हम एक। आपस में अनेक सही, हम देश के लिए सभी एक हैं, हम एक हैं। आपस में अनेक सही, हम देश के लिए सभी एक हैं, हम एक हैं। मिलजुल कर हर पर्व मनाएं, लोहड़ी ईद दिवाली, देश में भाई चारा हो, घर घर में हो खुशहाली, मानवता जिंदा है अभी तक, भारत ऐसा देश है। आपस में अनेक सही, हम देश के लिए सभी एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भेदभाव नहीं करते जब चंदा सूरज धरती है, भेदभाव नहीं करते जब चंदा सूरज धरती, फिर काहे तिरसूल निकलते और तलवार चमकते। आपस में हम भाई भाई और लहू का रंग भी एक है, आपस में अनेक है, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आपस में नहीं लड़ते जब अल्लाह और भगवान, आपस में नहीं लड़ते जब अल्लाह और भगवान, फिर काहे को नफरत बोता ओ नादा इंसान। मजहब हमारे अलग सही, पर देश की माटी एक है, आपस में अनेक सही, हम देश के सब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आपस में रहो मिलकर ऐसे जैसे दूध और पानी, आपस में रहो मिलकर ऐसे
जैसे दू दर्पण कविराता संदेश यही यही नानक की वाणी राम रहीम एक साथ रहते भारत ऐसा देश है आपस में अनेक सही देश के लिए सब एक है हम एक है हम एक है हम एक है हम एक है अब इसके बाद मैं गजल पढ़ता हूँ। ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए गैरों पे इनायत करते हो हम पर भी इनायत ये चांद हमारे घर निकले एक रात मैंने ये देखा है एक रात मैंने ये देखा है कि तुम बाहों में सिमटे हो क्या कहने एक रात मैंने ये देखा है कि तुम बाहों में सिमटे हो वो ख्वाब जो देखा है मैंने काश हकीकत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले तुम्हारी याद में हूँ पागल तुम्हारी याद में हूँ पागल तुमको तो खबर ये क्या होगी तुम्हारी याद में हूँ पागल तुमको तो खबर ये क्या होगी जो मुझको शिकायत है दिल भर वो तुमको भी शिकायत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए गैरों पे इनायत करते हो हम पर भी इनायत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले हुस्नर इसको मैं कहा सुनी तो अक्सर होती रहती है हुस्नर इसको मैं कहा सुनी तो अक्सर होती रहती है इतनी भी अदावत ठीक नहीं कि हमको भी हिकारत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले माना के बहुत खूबसूरत हो सब तुम पर जाने ही देते माना कि बहुत खूबसूरत हो सब तुम पर जाने ही देते हैं इतना भी मत श्रृंगार करो कि दुनिया में कयामत हो जाए ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए गैरों पे इनायत करते हो हम पर भी इनायत हो जाए ये दर्द तुम्हारा दीवाना ये दर्द तुम्हारा दीवाना सदनामो तुम्हारा जपता है ये दर्द तुम्हारा दीवाना सदनामो तुम्हारा जपता है तुम भी तो
उसका ना जब मुमकिन है मोहब्बत ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए गैरों पे इनायत करते हो हम पर भी इनायत हो जाए। ये चांद हमारे घर निकले कुछ ऐसी सूरत हो जाए गैरों पे इनायत करते हो कुछ हम पर भी इनायत हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि खुदा करे कि मुकम्मल ये ख्वाब हो जाए जमी से जर्रा उठे आफताब हो जाए दिल की हसरत है कि चांद महकता देखे घर के आंगन में कभी चांद उतरता देखे दामने शब में इन आंखों से भला क्या क्या देखें चांद देखें कि तेरा चांद से चांद देखें कि चांद से चेहरा देखें। हमें अपने खूबसूरत अंदाज से लुत्फंदोज कर रहे थे दयाराम दर्द रोजाबादी और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए उनका स्वागत किया जाए। दोस्तों वाजिबा की महफिल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव। क्या है समस्या कौन है जिम्मेदार नगर सेवक अधिकारी या सरकार वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा काम बहुत किया है वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवर इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम तो फिर देर किस बात की आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम आपके मनोरंजन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हम महफिल के दूसरे शायर को दावत सुखन देने वाले हैं लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे पास जो ये तीन नायाब हीरे हैं मैं इस महफिल के दूसरे शायर यानी कि इस महफिल की एकमात्र शायरा वंदना श्रीवास्तव जी हैं उनको मैं आवाज़ देना चाहता हूं लेकिन उनको यहां बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वंदना श्रीवास्तव जी गज़ल कहती हैं गीत कहती हैं और गज़ल पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है ख़ास तौर से उनका जो मफहूम होता है वो काबिले कद्र नहीं काबिले तहसीन भी होता है। मेरी मुराद है खारगर नवी मुँह से पधारी हुई एक ऐसी कवित्री एक ऐसी शायरा जो पुरखलूस तरीके से पुरअमन तरीके से शायरी करती है और आज हमारी महफिल में यहाँ पर हाजिर हैं। मैं दावत सुखन देता हूँ वंदना श्रीवास्तव जी को। वंदना जी आइए आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे मैं अपने गीत पर ही आ जाती हूँ बहुत वक्त नहीं बर्बाद करती हूँ। लीजिए मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ जो श्रृंगार पर आधारित जी, है। चली आओ अकेला नन्ही मंत्रण दे रहा चली आओ महकती याद का मधुबन निमंत्रण दे रहा है चले आओ हवाओं में उदासी क्या कहने हवाओं में उदासी है
गुलों का रंग बासी, गुलों का रंग बासी है, चांदनी खो गई देखो, चांदनी खो गई देखो, धरा सा वन की प्यासी, धरा सा वन की प्यासी है, ये सारे जग का सूनापन, ये सारे जग का सूनापन निमंत्रण दे रहे हैं। चले आओ मेरा सामर्थ तुमसे है, क्या कहो, मेरा सामर्थ तुमसे है, जगत का अर्थ तुमसे, जगत का अर्थ तुमसे है, तुम्हारे बिन नहीं कुछ भी, ये सब उत्कर्ष तुमसे, उत्कर्ष तुमसे है, झुकी नजरों का अभिनंदन, झुकी नजरों का अभिनंदन निमंत्रण, झुकी नजरों का अभिनंदन, झुकी नजरों का अभिनंदन निमंत्रण दे रहा है, चले आओ चले आओ। प्रतीक्षा की पराकाष्ठा देखें, ये काजल बह गया देखो, ये काजल बह गया देखो, हुआ श्रृंगार भी फीका, हुआ श्रृंगार भी फीका, ये माला सांस की टूटी, ये माला सांस की टूटी, बुझ रहा दीप आशा का, बुझ रहा दीप आशा का, विदा का आखिरी ये क्षण, विदा का आखिरी ये क्षण निमंत्रण, चले आओ चले आओ, अकेला मन निमंत्रण दे रहा है, चले आओ। एक गजल पेश करती हूँ, रिश्तों में वो पहले सी सदाकत नहीं रही, रिश्तों में वो पहले सी सदाकत नहीं रही, रिश्तों में वो पहले सी सदाकत नहीं रही, हमको भी मगर तुमसे शिकायत, हमको भी मगर तुमसे शिकायत नहीं रही, दुनिया के रंग वाब में ढल जाइए जना, दुनिया के रंग वाब में ढल जाइए जना, सुनते हैं अब चलन में शराफत नहीं, सुनते हैं अब चलन में शराफत नहीं रही, लफ्जों में नाजुकी है न लहजे में नफासत, लफ्जों में नाजुकी है न लहजे में नफासत, लफ्जों में नाजुकी है न लहजे में नफासत, शेरों में वो पहले सी व
वजाहत में वो पहले सी वजाहत नहीं रही। आ जाते हैं आंसू भरी महफिल में दफ्तन, दफ्तन का जवाब नहीं। आ जाते हैं आंसू भरी महफिल में दफ्तन, आ जाते हैं आंसू भरी महफिल में दफ्तन, अब वैसी खुशगवार तबीयत, वैसी खुशगवार तबीयत नहीं रही। घाटे और मुनाफे के बाजार सजे हैं, घाटे और मुनाफे के बाजार सजे हैं, घाटे और मुनाफे के बाजार सजे हैं, सजदे में गरज है जी इबादत, सजदे में गरज है जी इबादत नहीं रही। अंतिम शेर है, रूठो तो जरा सोच के रूठो जीवन गना, रूठो जो जरा सोच के रूठो जीवन गना, रूठो तो जरा सोच के रूठो जीवन गना, रूठो को मनाने की रवायत, रूठो को मनाने की रवायत नहीं रही। रिश्तों में जो पहले सी सदाकत नहीं रही, रिश्तों में वो पहले सी सदाकत नहीं रही, हमको भी मगर तुमसे शिकायत नहीं रही, हमको भी मगर तुमसे शिकायत नहीं रही। रिश्तों में पहले सी वो सदाकत नहीं रही, रिश्तों में वो पहले सी सदाकत नहीं रही, हमको भी मगर तुमसे शिकायत नहीं रही। बहुत खूब, ये शेर जिस कवित्री ने पढ़ा है, जिस शायरा ने पढ़ा है, मैं उसको सलाम करता हूँ कि इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने नफासत तरीके से अपनी बात कही है कि हम कहना चाहेंगे कि वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, वाह वाह। वंदना जी के हक में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। कितनी खूबसूरत सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वाजिबा की महफिल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हम बहुत प्यारे हैं। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवर इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम, तो फिर देर किस बात की। आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम आपके मनोरंजन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस महफिल के तीसरे और अहम कहें तो आखिरी शायर की तरफ हम चलते हैं, उस कवि की तरफ चलते हैं, जो कवि जितनी सादगी से अपनी बात कहता है, जिस खुलूस से अपनी बात कहता है, और उससे भी पहले जिस सच्चाई से वो बयां करता है, उसको हमें नमन करने को जी करता है। इस नवी मुंबई में ऐसे बहुत से गौहर दबे पड़े हैं जिन्होंने आपको अभी तक नहीं सुना है, नहीं देखा है। यह आपका हक बनता है कि आप उन कवियों को, उन शायरों को भी सुने जो बहुत बाकमाल लिखते हैं और बहुत काबिले कद्र हैं। मेरी मुराद है वाशी नवी मुंबई से हमारे बीच आए हुए एक ऐसे शायर जो गांव की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं,
बहुत बड़ी बड़ी महफिल में अपना जलवा बिखेर चुके हैं और उनके इल्म के, उनके फन के बहुत से लोग कायल हैं। मेरी मुराद है एसपी अग्रणी साहब से आप आए और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एसपी अग्रणी साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद टीवी वन न्यूज। आज हम जैसे नवांकुरों को आपने ये मंच दिया, इसके लिए आपके चैनल का, आदरणीय डॉक्टर वाहिद साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ज़्यादा भूमिका ना बांध के, चूँकि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, अपने गांव की बात करता हूं। स्वागत, सुनिएगा एक मुक्तक के माध्यम से। जी स्वागत है। कि दूर परदेश में आज ऐसा लगा, दूर परदेश में आज ऐसा लगा, गांव की मेरे आई है पुरवा हवा। क्या बात है, क्या बात। गांव की मेरे आई है पुरवा हवा, खेत खलिहान सब याद आने लगे। क्या बात है, जैसे बीमार को मिल गई। बहुत बहुत अच्छे। हम मुंबई में रहते हैं, कंकरीटों के जंगल में भटके हैं। सुनिएगा एक मुक्तक इस पर। जी स्वागत है। कि कंकरीटों के जंगल में भटके हुए, कंकरीटों के जंगल में भटके हुए, जिंदगी की सलीबों लटके हुए, मेरी मजबूरियों की मंजिल यही। बहुत खूब। मेरी मजबूरियों की है मंजिल यही, हम जहाँ थे वहीं आज मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। गीत भी मुझे से जुड़ी हुई है, स्वागत है। लेकिन उस गीत की भूमिका में मैं एक मुक्तक चार लाइन का दे रहा हूँ। कमाने के लिए, कमाने के लिए खुद को शहर से जोड़ आया, कमाने के लिए खुद को शहर से जोड़ आया हूँ, बिछड़ कर अपनी मिट्टी से मैं नाता तोड़ा। बहुत अच्छा। बिछड़ कर अपनी मिट्टी से नाता तोड़ आया हूँ, हमारे खेत पनघट बाग बरगद याद आते हैं। हमारे खेत पनघट बाग बरगद याद आते हैं, बिछड़ कर फकत एक जिस्म लेकर, फकत एक जिस्म लेकर आत्मा को छोड़ा। कि गर्मी की शामों को सजती, गांव का चित्रण है हमारे गांव में आज भी। कि गर्मी की रातों में सजती महफिल पीपल छांव, कि सौंधी माटी बुला रही है लौट चलो फिर गांव में। सौंधी माटी बुला रही है लौट चलो फिर गांव में। हमारे गांव में क्या है कि नदी किनारे मेले लगते, नदी किनारे मेले लगते, ढोल मजीरे तासे बजते, गोरी के हाथों में गुदना पाँव में महावर सजते, गांव के दंगल में उलझे हैं पहलवान हर दांव। सौंधी माटी बुला रही है लौट चलो। बहुत बहुत अच्छा। दूसरा बंद देखिएगा। जी जी बताओ। इसमें रिश्तों का ताना बना, कि अम्मा काका भैया दादा दीदी बहनी बिटिया राधा, अम्मा काका भैया दादा दीदी बहनी बिटिया राधा, धोती कुर्ता पगड़ी साफा उच्च विचार व जीवन साधा, चारों धाम अगर देखो तो है बुजुर्ग के पांव।
लौट चलो सोनी मिट्टी बुला रही है लौट चलो फिर गाँव मिट्टी बहुत बढ़िया लौट चलो फिर गाँव परी कथाएं और रामायण गाँव में है आज कि परी कथाएं और रामायण बच्चे दादी के जीवन तुलसी चौरा बरगद बूढ़ा गुड़िया फगुई रक्षा बंधन त्योहारों पर जुटते सब जन गाँव की उस चौपाली माटी बुला रही बहुत लौट चलो फिर बारिश के बाद जब बारिश थमती है बदलियां आती है धूप छाव आती है उस समय गांव के आसपास खेतों का माहौल क्या होता है देखिए इन पंक्तियों में कि धूप छाव की छटा निराली धरती की छवि कितनी न्यारी ताल तलैया बाग बगीचे कल कल करती नदियां शाही कितना प्यारा बचपन था उस कागज की नाव लौट चलो गाँव में अंतिम बंद है जी हम मुंबई में हैं वहां आज भी इंतजार करते हैं कि सुनी सुनी गाँव की गलियां सुना घर आंगन चौपाल सुनी सुनी गाँव की गलियां सुना घर आंगन चौपाल तरस रही बूढ़ी आंखें करती हमसे रोज सवाल तरस रही बूढ़ी आंखें करती हमसे रोज सवाल शहर शहर क्यों भटक रहा तू पैसों के अभावों में गांव में भी अब रोटी सोनी मिट्टी बुला रही है लौट चलो फिर गांव में सोनी मिट्टी बुला रही है लौट चलो फिर गांव में ऐसा कलाम मिट्टी से जुड़ा हुआ वतन से जुड़ा हुआ देश से जुड़ा हुआ कलाम जो हमें पेश कर रहे थे वो है हमारे एसपी अग्रवाल साहब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आज की भागदौड़ की दुनिया में जहां लोग चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं वहां आज भी सौंधी मिट्टी की खुशबू आपको गांव की तरफ खींचती है तो उसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी है और बहुत बड़े साहित्यिक सेवा भी है मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एसपी अग्रवाल साहब का स्वागत किया जाए बहुत शुक्रिया दोस्तों वाजिवा की महफिल के जरिए हमारी एक कोशिश है कि हम नवोदित शायरों और कवियों को मौका दें अगर आप भी लिखते हैं बाकमाल आपके कलाम में है दम तो हमारा ये आपसे वादा है कि टीवी इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम तो फिर देर किस बात की है उठाइए मोबाइल और आज ही अपना पंजीकरण कीजिए आज की महफिल में बस इतना ही दोबारा आपसे फिर मिलेंगे नए कवियों नए शायरों और उनकी नई रचनाओं के साथ आप देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन